Hey guys, welcome to Living in Mountains Part Three. If you haven't watched Part One and Two already, please go and watch. Lovies, do not forget to follow me on Instagram. Welcome to my vlog. In Part Three, we are going to explore a 2 BHK villa in Lens Town. If you are here with four to six people, like your family and your friends, you must stay here. तो so चलिए चलते हैं फर्स्ट गार्डन एरिया में आप देख सकते हो यहाँ से व्यू कितना सुंदर है दे आर सम स्टेयर्स टू रीच द गार्डन इफ यू आर कमिंग हियर विद योर फ्रेंड्स यू कैन हैव पार्टी इन द इवनिंग और अगर आप यहाँ आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ आपके साथ बच्चे हैं सो यू चिल्ड्रन वुड लव टू प्ले हियर एंड हैव फन आप शांति से यहाँ बैठ करके द सनसेट भी देख सकते हैं नीचे चलते हैं आपको यहां की शुद्ध हवा शुद्ध पानी हीलथी फ्रॉम इनसाइड चलते हैं इनसाइड द विला यहाँ की सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि हर जगह से आपको बहुत सुंदर व्यू देखने को मिलता है स्वागत है आपका विला के अंदर चलिए चलते हैं लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम द ड्राइंग रूम ये बहुत सुंदर और बहुत स्पेशियस है सो वी हैव टीवी यहाँ पे बैठ के व्यू के साथ आराम से टीवी देख सकते हैं सोफे पे बैठ के चेयर्स एंड अ पेंटिंग ऑन द वॉल यहाँ मां संतोषी का प्यारा सा मंदिर है जिसे देख करके बहुत अच्छा लगा एंड लेट मी शो यू द किचन विच इज अटैच टू द ड्रॉइंग रूम यहाँ किचन में हमें सब कुछ मिल जाएगा यहाँ फ्रिज है आर है अवन है टोस्टर है इंडक्शन है गैस है सभी बर्तन जिसमें खाना बनाना है सर्व करना है ऑल द बेसिक स्पाइसेस आर हियर एंड यस क्रॉकरी इज आल्सो अवेलेबल ये बन रहा है हमारा ब्रेकफास्ट कल हमने आलू के पराठे खाए थे आज बन रहे हैं तिकोना पराठे भिंडी भी? भी। भिंडी के साथ आप यहाँ पे खाना बना के खाना चाहते हैं कि मंगा के खाना चाहते हैं दैट्स ऑल अप टू यू ये बेडरूम हमारे रूम से अटैच्ड है इज अलमीरा बेड फर्नीचर एंड अ व्यू फ्रॉम द विंडो सो लेट्स गो टू द दटेच वॉशरूम विच इज वेरी नीट एंड क्लीन एंड यहाँ वॉशिंग मशीन भी है यू कैन वॉश योर क्लोथ चलिए इंतजार खत्म हुआ अब चलते हैं हम मास्टर बेडरूम में जो कि है फर्स्ट फ्लोर पे पूरा विला मुझे बहुत अच्छा लगा बट ये मेरा फेवरेट पार्ट है सो so, ये है ड्रेसिंग एरिया यहाँ पर ड्रॉयर्स हैं यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो अलमीरा है ये ऊपर दो एक्स्ट्रा मेट्रेस रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे दिए गए हैं दो एक्स्ट्रा टेबल बेड्स जिसके आप ऊपर मेट्रेस लगा के टू तो एक्स्ट्रा बेडिंग कर सकते हो दिस बेड इज सो कंफर्टेबल यार दिस मास्टर बेडरूम इज़ वेरी स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल एंड लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम हियर यहाँ रूम्स में एसी भी है अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो एंड इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ यहाँ से सनसेट का जो व्यू है आप अपनी चाहे ड्राॅइंग रूम से देखिए बेडरूम से देखिए या बाहर बैठ के लॉन एरिया में बैठ के देखिए गार्डन एरिया में बैठ के देखिए सनसेट बहुत ही खूबसूरत दिखेगा आप आप यहाँ बैठ के आराम से अपने ऑफिस का वर्क कर सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज के लिए ड्रॉस भी हैं तो ये एरिया किस लिए मुझे समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे बैठ गई और बैठ के मैंने किया मेडिटेशन देखिए ये अभी यहाँ खत्म नहीं होता अभी बचा हमारा टेरिस टेरिस दिखाती हूँ आपको ये पीछे से जो रोड जा रही है ये तारकेश्वर महादेव टेम्पल तक जा रही है ये जो हमारा वला है इट इज़ ऑन तारकेश्वर महादेव टेम्पल रोड हमने यहाँ पे विजिट किया मई मंथ में फिर भी आप देख सकते हो कि कितनी ठंडी और तेज हवा है यहाँ पे लेट मी शो यू चुरा रह गया है मास्टर बेडरूम से अटैच वॉशरूम विच इज़ एवरी थिंग यहाँ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए एंड डोंट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक्स फॉर वॉचिंग